हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई पाठन। कल हमने ये पेपर की मदद से बुकमार्क बनाना सीखे थे। आज हम उन्हीं पेपर्स का इस्तेमाल करके एक और नई चीज़ बनाना सीखेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने घर से पुरानी मैगजीन्स, पुराने पेपर या न्यूज़पेपर, इन सब को इकट्ठा करना है। उसके साथ ही फेविकॉल, मार्कर, सीज़र और पेंसिल, इन सब की हमें ज़रूरत होगी। अभी आपको करना क्या है कि आप पुराने पेपर या न्यूज़पेपर को इस तरह स्ट्रिप्स में काट लेंगे और उसके बाद अब हम इनको एक कोने से, स्ट्रिप्स को काट लिया है, स्ट्रिप्स को काटने के बाद उनको कोनों से टेढ़ा टेढ़ा हम मोड़ना शुरू करेंगे ताकि हम इन स्ट्रिप्स की पतली पतली डंडियां बना सकें। इनको ऐसे मोड़ेंगे। यहाँ पर हम फेविकोल की मदद से इसको चिपका देंगे। इस तरह से हम पेपर या न्यूज़पेपर की हेल्प से हम डंडियां बना सकते हैं। हम न्यूज़पेपर की हेल्प से भी डंडी बना सकते हैं। उसके लिए भी हमें उसी तरह कोने से ऐसे टेढ़ा टेढ़ा मोड़ना शुरू करना होगा स्ट्रिप्स को बनाने के लिए। उसके बाद हम इस कोने को गम की हेल्प से चिपका देंगे। इसी तरह हम अपनी बाकी की स्ट्रिप्स भी बना लेंगे। स्ट्रिप्स बनाने के बाद, स्ट्रिप्स की स्टिक्स बनाने के बाद हमें करना क्या है, हम ये मैंने कुछ मैगजीन का पेपर लिया है और उनको इन स्ट्रिप्स में काट लिया है। अभी हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और उसके बाद सीज़र की हेल्प से हम इसको यहाँ से काटना शुरू करेंगे। हम इसको पूरा नहीं काटेंगे, लास्ट में इसको थोड़ा सा बचा देंगे, फिर हम इनको हम इसको काट चुके हैं। अभी हम इनको थोड़ा सा मोड़ लेंगे, उसके बाद इसको ऐसे हम घुमा देंगे और फेविकोल की मदद से हम चिपका भी देंगे, हम थोड़ा सा फैला देंगे। इसी तरीके से हम अपने बाकी भी बना लेंगे सारे। उसके बाद हमें करना क्या है, हम एक पेपर लेंगे स्क्वायर साइज़ का जिसकी चारों साइड बराबर हैं। अगर आपके पास कलरफुल पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल वाइट पेपर यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको ऐसे डायगनली मोड़ेंगे एक बार और इस तरीके से मोड़ेंगे और एक बार और उसी साइड में हम इसको मोड़ देंगे। हम इस पेपर को तीन बार मोड़ेंगे और पेंसिल की मदद से हम इसकी शेप बनाएंगे, यू शेप। इस शेप में हम इसको काट लेंगे। हमने काट लिया है, अब इसको खोलेंगे और ये हमारा फूल तैयार है। अभी करेंगे क्या, हम इसका एक छोटा सा हिस्सा काट कर अलग कर देंगे और इस हिस्से को हम फेविकोल की मदद से चिपका देंगे ऐसे, और इसको ऐसे हम मोड़ देंगे ताकि ये
और ये हमारा फूल तैयार है। मार्कर की मदद से हम बीच में इसमें, और ये हमारे फूल तैयार हैं। इसी तरीके से हम अपने बाकी फूल भी तैयार कर लेंगे। पेपर की मदद से हमने जो डंडियाँ बनाई थी, अभी हम उनका इस्तेमाल करेंगे, उनको कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा स्पेस देकर ऐसे अब हम इनको फेविकोल की मदद से चिपका देंगे। ये देखिए, अभी हम इन स्टिक्स को आसानी से चिपका चुके हैं और ये थोड़ी सूख भी गई हैं। अभी हम उसके बाद जो हमने ये फूल बनाए थे मैगजीन की मदद से, इनको हम इस फ्रेम पे पेस्ट करेंगे ऐसे। इन सबको हम यहाँ पर और यहाँ पर गम की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, अभी हम इनको चिपका चुके हैं, इनको सूखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा और ये आसानी से चिपक जाएंगे और उतरेंगे नहीं। उसके बाद हम अपने जो फूल हमने बनाए थे उन फूलों को हम चिपकाना शुरू करेंगे। ऐसे करके हम अपने सारे फूलों को लगा लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम अपने फूलों को इसके ऊपर आराम से चिपका लेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। और ये तैयार है हमारा सुंदर सा फ्रेम। और ये तैयार है हमारा सुंदर सा फ्रेम। आप अलग अलग पैटर्न्स का यूज़ करके अलग अलग शेप्स के फ्रेम बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी घर पर वेस्ट मटेरियल से कुछ चीज़ें बना रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।